हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर गए। अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने अपने समकक्ष आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी आदि से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी शामिल है। यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान ने 8 MOU पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय व्यापार को $10 अरब तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे के बाद अब अमेरिका की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौते पर विचार करने वाले को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात बोली है। गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए थे। इनमें चीन की 3 कंपनियां भी शामिल थीं। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि ये सभी संस्थाएं सामूहिक विनाश के हथियारों की प्रसारक थीं। ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा ऐसे समय पर कर रहे हैं जब ईरान और इजराइल का टकराव चरम पर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में टकराव भी देखने को मिला था, जब दोनों देशों ने एक दूसरे की धरती पर किए हमले को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बताया था।